हेलो वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड जोन सो बच्चों आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की सेकंड एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट टू हम यहां पे सीखने जा रहे हैं और सिक्स पॉइंट टू का जो हमारा मेन टारगेट है जिस टॉपिक को हमें कवर करना है उस टॉपिक का नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन ओके okay, तो हेडिंग बना लीजिए आज की क्लास में आज हम सीखेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन चलिए समझते हैं क्या होता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन तो बच्चों आज यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हम जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ फंक्शन तो बेसिकली हम यहाँ पे फंक्शन के टाइप को आज जानेंगे कि कितने टाइप के फंक्शन होते हैं हमारे पास सो so, हेडिंग बना लीजिए टाइप ऑफ फंक्शंस ओके ये देखिए मैं कुछ आपके सामने फंक्शन बना रहा हूं उसको देख करके आपको समझ में आएगा कि फंक्शन कितने वैरायटी रख सकता है आप ग्राफ से देखिए यहां पे ये वाई है और ये एक्स है और इसमें जो ग्राफ बनेगा वाई और एक्स के बीच में ओके वो कहलाएगा फंक्शन बनेगा जो भी मैथमेटिकल ग्राफ बनाएंगे वो कहलाएगा वाई इक्वल टू एफेक्स तो वाई इक्वल टू इफेक्ट्स का मैं आपके सामने एक ग्राफ दिखा रहा हूँ ये देखिए वाई इक्वल टू इफेक्ट्स का ग्राफ है सो इस ग्राफ को बोला जाएगा वाई इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स होगी कोई रिलेशनशिप वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स क्यूब कुछ भी हो सकता है बट है तो फंक्शन ऑफ एक्स ठीक है ना तो ये हमारे सामने एक फंक्शन दिया गया है इस फंक्शन को देख करके आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप देखो आप एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो आपकी वाई की वैल्यू बढ़ रही है ओके एक्स की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ वाई की वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब इफ एक्स इज इंक्रीजिंग वाई इज ऑल्सो इंक्रीजिंग मतलब एक्स इंक्रीज करने पर वाई इंक्रीज कर रहा है और यू कैन से अगर x डिक्रीज करेगा तो y भी डिक्रीज करेगा तो ऐसा फंक्शन जिसमें x की वैल्यू बढ़ाए जाने पर y की वैल्यू भी बढ़े ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन क्या बोलते हैं बेटा इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसे फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं तो ये फंक्शन हमारे इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाते हैं अच्छा इंक्रीजिंग फंक्शन में इस फंक्शन को देखिए आप ये अपने थ्रूआउट डोमेन में हर जगह बढ़ रहा है कहीं भी रुक नहीं रहा है कहीं भी फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है तो ऐसा फंक्शन जिसका हर पॉइंट एक इंक्रीज़ करे हर पॉइंट इंक्रीज़ करे ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग अब आप अंदाजा लगाइए कि यदि मैं दो पॉइंट के बीच में ऐसे समझेंगे आप इसको इस तरीके से यदि मैं आपके पास दो पॉइंट ले लेता हूँ ये ले लीजिए दो पॉइंट एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है इस पॉइंट पर y1 वन ये हो जाएगा और ये है y2 टू और ये वैल्यू है x1 वन ये वैल्यू है x2 टू तो x का चेंज कितना आ गया बेटा x का चेंज आ गया डेल्टा x दैट इज इक्वल्स टू एक्स टू माइनस एक्स वन और वाई का चेंज कितना आ गया है वाई टू माइनस वाई वन तो डेल्टा एक्स चेंज के लिए आउटपुट में चेंज कितना हुआ है डेल्टा वाई तो यूनिट चेंज ऑफ एक्स के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कितना बनेगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स अब आप देख रहे हैं एक्स बदल रहा है तो वाई भी बदल रहा है वाई की वैल्यू बढ़ रही है पहले कम थी तो ये क्वांटिटी क्या आएगी पॉजिटिव मतलब आप कह सकते हो एक सेंस में कि डी वा बाई डी एक्स क्या होगा पॉजिटिव मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन की पहचान है या ये कह लीजिए आप मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग फंक्शन की पहचान है डी वा बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो होगा बोलिए क्लियर है डी व्य डी पॉजिटिव होगा अदरवाइज आप कह सकते हैं कि ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन की पहचान हो गई कौन सा फंक्शन बेटा मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग फंक्शन बिल्कुल जो हर पॉइंट पे बढ़ रहा है अब मैं आपको दिखाता हूँ नॉन मोनोटॉनिक एक तरीके से तो अब ये फंक्शन का बिहेवियर देखिए आप इसका बिहेवियर आपको अजीब सा लगेगा ठीक है ये जो फ़ंक्शन है ये मैं बनाता हूँ आपके सामने तो ये मेरा वाई एक्सेस है ये इधर पे एक्स एक्सेस चला गया अब आप इस फंक्शन को देखिए ये फिर ये फ्लक्चुएट हो गया फिर थोड़ा इसको ज़्यादा फ्लक्चुएट कर दिया हमने इस तरीके से गया फिर हल्का इस तरीके से फिर हल्का और ऊपर तो यहां देखिए ये फंक्शन जो है ये फंक्शन यहां पे भी इंक्रीजिंग है फिर इसके बाद यहां भी ये इंक्रीजिंग ही है कोई दिक्कत नहीं है है तो ये भी इधर भी इंक्रीजिंग और यहां पे भी इंक्रीजिंग है मगर बेटा यहां पे फ्लक्चुएशन हुआ है ओके मतलब इस पॉइंट पर आप डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते हो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शार्प एजेस पर डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है तो यहाँ पे एक तरीके से आपको एक शार्प एज मिला है और इस पॉइंट पर आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो तो आप नहीं बता सकते हो कि फंक्शन यहाँ पे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है मतलब आप ये कुछ नहीं कह सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे फंक्शन क्या है तो इस वजह से इन पॉइंट्स के आने के कारण ये जो शार्प पेजस आ चुके हैं इनके आने के कारण हम क्या कहते हैं कि ये जो फंक्शन है ये ओनली इंक्रीजिंग कहलाएगा अब ये मोनोटॉनिक नहीं कहलाएगा मोनोटॉनिक की फीलिंग ये थी कि कदम कदम बढ़ाया जाए बट अब जो है फ्लक्चुएट कर रहा है तो इसलिए इंक्रीजिंग तो है बट ये मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग नहीं है अभी भी एक्स की वैल्यू बढ़ने पर वाई की वैल्यू बढ़ ही रही है ये देख लीजिए वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू आगे है तो वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है बट यहाँ पर ये क्या ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है क्या ये मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग है नो no. <coughs> ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नहीं है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग को ही हम क्या बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है ठीक है तो ये फंक्शन कहलाएगा इसे आप क्या कह सकते हो इसे आप सिंपल इंक्रीजिंग यूज कर सकते हो क्लियर बेटा सिंपल इंक्रीजिंग वर्ड आप इसके लिए यूज कर सकते हो तो इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा डी वो डी एक्स ग्रेटर जीरो और इक्वल टू जीरो अगर आपके पास सिंपल इंक्रीजिंग की बात कही जा रही है तो डी वो डी एक्स ग्रेटर देन जीरो और इक्वल देन जीरो जैसे कैसे ये देखिए मैं आपके सामने एक ग्राफ बता रहा हूँ ओके okay, हाँ यस yes. देखिए मैं आपके सामने ग्राफ बना रहा हूँ ये यहाँ पे ये लीजिए अब आप देखिए हर पॉइंट पर एक्स की वैल्यू बढ़ने पर वाई की वैल्यू बढ़ रही है हर पॉइंट पर बट एक समय आ गया है जिस समय एक्स की वैल्यू बढ़ने पर वाई की वैल्यू बढ़ना बढ़ना बंद हो गई है ये देखिए दोनों लेवल पर दोनों पॉइंट पर वाई की वैल्यू सेम है बताइए सेम है कि नहीं है यस yes. इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर मतलब एक्स की दो वैल्यूज है और दोनों पे वाई की सेम वैल्यू है ओके okay? तो यहां पे ये फंक्शन ने कौन सा नेचर गेन कर लिया है यहां पर ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन बन चुका है इस पॉइंट पर ये जो फंक्शन है ये क्या बन चुका है बेटा फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन बन चुका है क्लियर की नॉट क्लियर मतलब कहने का है कि ये जो फंक्शन है इतनी दूरी तक यहां तक ये यह इंक्रीजिंग था इस ब्लू वाले पॉइंट तक ये जो फंक्शन था एक तरीके से ये इंक्रीजिंग था ठीक है मैं इसको लीजिए यहां से लेके यहां तक ये यह तो दिख ही नहीं रहा है कोई अलग कलर ले लेता हूँ एक बढ़ा देता हूँ ग्रीन कलर देखिए यहाँ से ले कर के यहाँ तक अब मुझे दिखाना था तो ये वाइट कलर की स्क्रीन होनी थी तभी दिख पाता एनी anyway, कोई बात नहीं तो चलिए इसी कलर को शो कर देता हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये यह फंक्शन इंक्रीजिंग था अगर मैंने इसकी स्टार्ट करी थी स्टार्टिंग पॉइंट ए से एंड पॉइंट यदि बी है तो देखिए ए से लेकर के ये फंक्शन यहाँ तक कुछ दूर तक तो इंक्रीजिंग था मतलब इतने के लिए डी बाय बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो क्योंकि वाई की वैल्यू एक्स के वैल्यू के साथ में बढ़ रही थी बट इस वाले पोर्शन में क्या आ गया जैसे ही आप यहाँ से यहाँ आते हैं तो इस वाले पोर्शन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कांस्टेंट फंक्शन हो चुका है यानी डी वा बाई डी एक्स इक्वल टू तो कितना आ जाएगा जीरो क्योंकि डेल्टा वाई डेल्टा एक्स वाई चेंज ही नहीं हो रहा है पहले भी उतना था बाद में भी उतना है तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा जीरो आएगा बोलो यस किनो तो यहां पर डेरिवेटिव कितना आ चुका है जीरो आ चुका है यहां पर डिफरेंशिएशन जीरो आ चुका है डिफरेंशिएशन जीरो का मतलब ये कौन सा फंक्शन है ये कांस्टेंट फंक्शन है कौन सा फंक्शन है? है. है बेटा ये कांस्टेंट फंक्शन है मतलब यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन तो कम्बाइंडली मेरे पास कितने रिजल्ट मेरे को मिल रहे हैं मेरे को दो रिजल्ट मिल रहे हैं एक डी वा बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड डी वा बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो ये भी मिल रहा है दोनों को मर्ज करके मैं क्या लिख सकता हूँ डी वा बाई डी एक्स ग्रेटर और इक्वल टू जीरो तो इस स्थिति में फंक्शन क्या मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा नो no. क्योंकि यहाँ पे इसकी स्ट्रिक्टनेस खत्म हो गई है यहां पर ये यह लूज पड़ गया ओके okay? तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो नोट कर लें ये क्या कहलाएगा ये इसे आप कह सकते हो सिंपल इंक्रीजिंग ये मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग नहीं है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है ये है सिंपल इंक्रीजिंग बोले क्लियर है बेटा एक बार रिपीट कर दूं अगर रिपीट करने को बोला जाए तो यदि देखा जाए तो, मोनोटॉनिक इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि इसके अंदर यहां पे रेस्ट का नेचर आ चुका है यहां तक तो ये बढ़ रहा था मगर इसके बाद ये आराम भी तो कर रहा है वाई की वैल्यू फिक्स हो गई ना फिर तो नहीं बढ़ रही ना इसलिए ये क्या कहलाएगा सिंपल इंक्रीजिंग क्लियर है और मोनोटॉनिक के लिए ये देखिए हर पॉइंट पे फंक्शन बढ़ रहा है तो मोनोटॉनिक होगा उसी को बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या बोलते हैं उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्लियर और यदि ये देखिए इस तरीके से सेचुरेट हो गया कांस्टेंट नेचर आ चुका है तो इसे हम क्या बोलेंगे सिंपल इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग बोलेंगे बोले क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यस yes. तो यहाँ पे हर पॉइंट पे फंक्शन का स्लो पॉजिटिव है डी बाय बाई डी एक्स हियर इज ग्रेटर देन जीरो एंड हियर डी बाय बाई डी एक्स ग्रेटर और इक्वल टू जीरो क्लियर बेटा ओके अब इसी तरीके से देखिए अगर हम डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करें अभी तक मैंने आपको डिक्रीजिंग के बारे में कुछ नहीं बताया अब मैं आपको डिक्रीजिंग फंक्शन बता रहा हूं सो डिक्रीजिंग फंक्शन अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू के साथ डिक्रीज हो ये देखिए ये एक्स है ये वाई है तो वाई की वैल्यू कम होती जा रही है मतलब एक्स की वैल्यू बढ़ रही है और वाई की वैल्यू कम हो रही है बोलिए यस किनो ओके तो यहां तक जो फंक्शन है यहां तक ये फंक्शन कहलाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन और ये कैसा फंक्शन है बेटा स्ट्रिक्टी डिक्रीजिंग क्योंकि y यहाँ तक पूरा का पूरा जो है y की वैल्यू x के साथ कम हो रही है क्लियर की नॉट क्लियर मतलब x अगर इंक्रीज कर रहा है तो y की वैल्यू क्या हो रही है कम हो रही है जैसे सिलेबस बढ़ता जाता है तो आपके मार्क्स कम होते जाते हैं जैसे याद होगा इस्कूल में सिलेबस जितना ज़्यादा होगा आपके एग्ज़ाम में मार्क्स कितने होते जाते हैं उतने कम होते जाते हैं होते कि नहीं होते हैं एग्जाम्स में देखा गया ऐसा है ना तो ऐसे इसलिए कौन सा फंक्शन है ये डिक्रीजिंग फंक्शन तो अगर लगातार आपके मार्क्स कम हो रहे हैं तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और आप कहेंगे कि डी बाई डी एक्स क्या होगा लेस देन जीरो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहने के लिए या मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग के लिए क्या बनेगा क्राइटेरिया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग <coughs> कह लें मोनोटोनिकली ले डिक्रीजिंग लें तो इसके लिए क्राइटेरिया बनेगा डी डी एक्स लेस देन जीरो ओके बट एक चीज़ देखिए आपके मार्क्स लगातार कम हो रहे थे कम हो रहे थे कम हो रहे थे कम हो रहे थे बट एक बार आ करके फिर मार्क्स आपके कॉन्स्टेंट हो गए ये देखिए मान लीजिए ये आपके मार्क्स जो हैं ये ट्वेंटी हैं तो अगले टेस्ट में भी आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं फिर से ट्वेंटी फिर कितने आ रहे हैं बेटा ट्वेंटी आ रहे हैं तो यदि आपका इंटरवल ए से शुरू हुआ है और बी पे आपका इंटरवल खत्म हो रहा है तो इतने जगह में आपका फंक्शन क्या है कांस्टेंट है बोलिए ये और कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा जीरो होता है तो कंबाइंडली देखा जाए तो दो नेचर हमारे सामने आ रहे हैं यहां से लेकर के यहां तक के लिए हमको क्या नेचर मिल रहा है डी वा बाई डी एक्स लेस देन जीरो का क्योंकि y की वैल्यू x के साथ घट रही है और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो तो दोनों को यदि मैं मर्ज कर दूंगा तो कंडीशन बनेगी डी वा बाई डी एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो इसको बोलते हैं हम डिक्रीजिंग फंक्शन क्या बोलेंगे बेटा इसको डिक्रीजिंग फंक्शन बट ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि इस पॉइंट पर आराम हो रहा है ये देखिए ये आराम का मामला है क्योंकि यहाँ पे फंक्शन क्या हो चुका है कांस्टेंट हो चुका है बोलिए एस कि नो अगर आप हर पल बर्बाद हो रहे हो तो आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है बट बर्बाद होते होते आपने रेस्ट कर लिया तो आप तो बर्बाद नहीं हुए वहाँ पे तो वहाँ पे क्या कहलाएगा ये सिंपल डिक्रीजिंग कहलाएगा बोलिए क्लियर की नॉट क्लियर तो अभी की कहानी में हमने केवल इतना ही सीखा जो हमारे सीखने की बात है कि भैया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए डी बाई डी एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए अगर डी बाई डी एक्स जो होगा लेस देन जीरो होगा तो ये क्राइटेरिया बनेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का दूसरा डीवा बाई डी एक्स ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो तो ये क्राइटेरिया बनेगा सिंपल इंक्रीजिंग का मतलब केवल इंक्रीजिंग है डी बाई डी एक्स अगर लेस और इक्वल टू जीरो होगा तो ये क्राइटेरिया बनेगा डिक्रीजिंग का बोलिए तो समझ में आया कि नहीं आया अब चलिए बात करते हैं कि हमारे पास में टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आएंगे तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन तो क्वेश्चन हमारे पास बेटा इस चैप्टर में दो टाइप के आपको दिखाई देंगे दो टाइप के क्वेश्चन दिखाई देंगे पहला क्वेश्चन इंटरवल गिवन आपको इंटरवल दिया रहेगा और आपसे इंटरवल क्या रहेगा गिवन रहेगा मतलब इंटरवल इज गिवन यानी कि इंटरवल यस है और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए फंक्शन का नेचर क्या है मतलब इंटरवल गिवन रहेगा और फंक्शन का नेचर पूछेगा दूसरा फंक्शन का नेचर दे देगा और आपसे पूछेगा कि इंटरवल क्या है इंटरवल आपसे पूछा जाएगा कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है तो इसकी एक प्रोसीजर होती है हम इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे ठीक है तो इस चैप्टर में बेटा हमको दो कैटेगरी के ही क्वेश्चन करने हैं पहला इंटरवल दे करके हमसे उसका नेचर पूछा जाएगा कि फंक्शन का इंटरवल दिया है भाई साहब नेचर बताओ दूसरा नेचर दे करके आपसे इंटरवल पूछा जाएगा आपको नेचर दे देगा कि ये फंक्शन यहाँ पे इंक्रीजिंग है है ना आप बताइए कि कितने इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा तो आइए देर नहीं करते हैं सीधे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं क्वेश्चन की ओर चलने के पहले मैं आपको बता देता हूँ एक और बात जो आप भूल चुके होंगे कि बेटा जो पॉलीनॉमियल फंक्शन होता है पॉलीनोमियल जो फंक्शन होता है जो इस तरीके से आपको दिखता है y इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन की पावर ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस अप टू अप टू अप टू ए एन एक्स की पावर एन इस तरीके का जो फंक्शन होता है पॉलिनोमियल फंक्शन तो बेटा इसकी डिग्री जो भी है इसका डोमेन जो होता है कितना होता है बेटा माइनस इनफिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी ये आपको कोई बताएगा नहीं तो इसका जो डु, डोमेन होता है ऑटोमेटिकली क्या डिफाइन होता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इनफिनिटी तो इस क्वेश्चन इस चैप्टर में इस बात को आप बांध लीजिए कि आपको जो भी आपके पास में पॉलिनोमल फंक्शन आएगा उसका डोमेन माइनस इन्फिनी टू प्लस इन्फिनिटी लेना है बोलो क्लियर बेटा इसी को हम इसी को हम आर बोलते हैं ओके आर बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आपने पूछा सर ऑर्डर क्या होता है बेटा जो एक्स की हाइएस्ट पावर होती उसको है उसको ऑर्डर बोलते हैं हालांकि इस चैप्टर में इसका यूज नहीं है एक्स की हाइएस्ट पावर को उसको क्या बोलते हैं ऑर्डर या डिग्री ठीक है हाँ तो डिग्री बोलेंगे ऑर्डर से ज़्यादा करेक्ट है यहाँ पे डिग्री एक सेकेंड ओके गाइस तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे बुक का ही है क्वेश्चन नंबर वन शो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स प्लस सेवनटीन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर तो वैसे तो बेटा आपको पता है कि ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास जो दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू बेटा है अपने पास में थ्री एक्स प्लस सेवनटीन एफ एक्स को हम सिंपली वाई भी बोलते हैं तो वाई इक्वल टू थ्री एक्स प्लस सेवनटीन किस फॉर्म का है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म का है स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरीके से तो बेटा देखो ध्यान से कि एक्स की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ वाई की वैल्यू लगातार बढ़ रही है मतलब ये फंक्शन क्लियरली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ग्राफिकली आपके नॉलेज के लिए बट आप एग्जाम में कैसे करेंगे यू हैव द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू थ्री एक्स प्लस सेवनटीन डी बाई डी एक्स कर दीजिए तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री एक्स प्लस सेवनटीन डिफरेंशिएट कर दिया ये क्या आ गया एफ डैस एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री एक्स प्लस सेवनटीन तो थ्री एक्स का हो जाएगा वन प्लस सेवनटीन हो सॉरी 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 सेवनटीन का तो जीरो हो जाएगा कॉन्स्टेंट है ना मेरा हाँ तो कितना आ गया भाई साहब यहाँ पे थ्री आ गया ये क्या आ गया हमारे पास एफ डैस एक्स आ गया एंड वॉट इज थ्री थ्री इज ग्रेटर देन जीरो मतलब f डेस x की वैल्यू क्या आएगी ग्रेटर देन जीरो हर पॉइंट पर क्योंकि x मिला ही नहीं मतलब इसकी वैल्यू थ्रू आउट पॉजिटिव है इसकी वैल्यू क्या है पॉजिटिव है क्लियर हो गया तो इसलिए अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो बेटा आपके पास में जो फंक्शन है दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो करना है कि ये स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग है तो क्वेश्चन को आप वाई भी ले सकते हैं एफ एक्स को मर्जी आपकी तो आप लिख लिए अपने हमारा so we have given our function fx equals to e to the power 2x एक्स चलिए तो differentiate karte करते हैं and you know differentiate karoge करोगे कितना jayega जाएगा टू ई e की पावर टू एक्स क्लियर की नोट क्लियर यही आएगा ना बेटा ओके टू ई की पावर टू तो अब इसको ये टू ई e की पावर टू एक्स आ चुका है आपको क्या दे रखा है एक्स की वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ध्यान से देखिए टू ई e की पावर टू एक्स मतलब ई e की पावर एक्स का होल स्क्वायर अब ई e की पावर एक्स में आप कुछ भी रखेंगे नेगेटिव रखेंगे पॉजिटिव रखेंगे स्क्वायर होके तो पावर प्लस में ही आएगी और ई हाँ ई की पावर एक्स कुछ भी होगी पॉजिटिव ही जाएगी मतलब यह टू और ई e की पावर एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव ही बनेगा सो योर टोटल आंसर विल बी पॉजिटिव यानी कि f डैस x इज ग्रेटर देन जीरो जीरो के इक्वल भी नहीं हो सकता है क्योंकि e की पावर x जो होता है वो कभी जीरो के इक्वल नहीं होता है आप कोई भी पावर रख दीजिए जीरो नहीं हो सकता है सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव तो एफ डैस एक्स की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन जीरो और जब वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है तो क्या होता है ये बेटा स्ट्रिक्टली

चलिए तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपके पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अब इंटरवल आपको दिए गए हैं तो आपको मैंने बताया था अभी हमारा पहली कैटेगरी का ही क्वेश्चन दे रहा है सब में आपको इंटरवल दिया गया है और आपसे नेचर पूछ रहा है दो कैटेगरी के क्वेश्चन हमको करने हैं एक में इंटरवल दिया है और नेचर पूछेगा दूसरे में नेचर दिया इंटरवल पूछा है तो अभी भी हम फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन कर रहे हैं इंटरवल दिया है और नेचर पूछा गया है चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड चल रहा है हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अब हमको कहा गया है कि तीन इंटरवल दे देंगे। पहला इंटरवल दिया गया है एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई बाई टू कह रहा भाई साहब इसमें नेचर बताओ जीरो भी ओपन है और पाई बाई टू भी ओपन है सेकेंड एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई टू से लेके पाई इस पे भी नेचर बताओ और थर्ड एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई इसमें नेचर बताओ चलिए तो नेचर बताने के लिए हम क्या निकालते हैं एफ डैस एक्स तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे डिवाबेड एक्स ऑफ साइन एक्स और एफ डैस एक्स का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स का कितना हो जाएगा बेटा माइनस कॉस एक्स यस ये आ गया मेरे पास डिफ्रेंशिएशन अब आप देखिए सेंस फॉर एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई बाई टू एक्स की वैल्यू जीरो से पाई बाई टू के लिए बेटा जो कॉस एक्स है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा कॉस एक्स क्या होता है पॉजिटिव होता है हम इसकी बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट ये देखिए 0 टू पाई बाई टू ये क्या होता है ऑल साइन टेन कॉस तो हमको किसका चिन्ह चाहिए है एफ का तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस एक्स जो होता है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है सिंस इन एक्स बिलोंग्स टू ओपन जीरो इज ग्रेटर देन जीरो तो हमको क्या बनाना है माइनस कॉस एक्स तो माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दिया सो माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा बेटा माइनस कॉस एक्स हमारे पे माइनस कॉस एक्स लेस देन जीरो इन के साइन क्या हो जाएंगे पलट जाएंगे क्लियर संचारी इन के साइन पलट जाएंगे मतलब माइनस कॉस एक्स लेस देन जीरो और माइनस कॉस एक्स का मतलब क्या है एफ डैस एक्स है और एफ डैस एक्स क्या हो गया लेस देन जीरो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन एक्स का फंक्शन है वो क्या होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सो एफ एक्स के आगे हमारे पास में लेस देन जीरो आ गया है एफ डेस एक्स डेरिवेटिव मेरे पास लेस देन जीरो आ गया है हेंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल जीरो टू पाई बाई टू क्लियर बेटा सेकेंड केस देखते हैं एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई टू ओपन से लेके पाई तो फिर से हमारे पास एफ़ एक्स कितना दिया हुआ है साइन एक्स एफ एक्स कितना आ जाएगा मेरे पास में सॉरी एफ एक्स कितना था मेरे पास में साइन एक्स था तो एफ़ एक्स कितना आ जाएगा मेरे पास में एक मिनट यार क्या गड़बड़ी हो गई माइनस कॉस एक्स मैंने क्यों लिख दिया बेटा यहाँ डिफ्रेंशिएशन हाँ तो मैंने माइनस कॉस एक्स लिख दिया और आपने बताया नहीं इतनी देर में तो यहाँ तो कॉस एक्स होता है है ना इंटीग्रेशन नहीं चलाइए तो देखिए जीरो टू पाई बाई टू में कॉस एक्स अगर पॉजिटिव होता है तो भैया हमको तो कॉस एक्स ही चाहिए है कोई नेगेटिव कॉस एक्स तो चाहिए नहीं है तो कॉस एक्स ही चाहिए है तो कॉस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मीन्स एफ डेस एक्स क्या होगा ग्रेटर देन जीरो क्लियर की नॉट क्लियर हाँ इसलिए ये जो फंक्शन होगा हमारा क्या होगा बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो फंक्शन होगा हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो एफ डे एक्स अगेन इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा कॉस एक्स आपको पता है हमको वैल्यू चाहिए कितने से कितने तक पाई बाई टू से लेकर के पाई तक और ये सेकेंड क्वाड्रेंट है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव होती है तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास क्या होगी लेस देन जीरो नेगेटिव मतलब एफ डैस एक्स इज लेस देन जीरो तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलिए क्लियर की नॉट क्लियर यस तो आपने देख लिया कि ये जो फंक्शन है हमारा सिंस एफ एक्स इक्वल्स टू जो साइन एक्स है बेटा वो क्या हो रहा है देखो इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन जीरो टू पाई बाई टू यहाँ पर इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग है एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाई टू टू पाई मतलब यहाँ पर स्ट्रिक्टलीक्रीजिंग है और यहाँ पर स्ट्रिक्टी डिक्रीजिंग है तो ऑल टोटल देखा जाए बेटा तो ये जो हमारा फंक्शन है ये कैसा होगा अगर कंप्लीट इंटरवल की मैं बात कर दूँ तो ये कैसा होगा ना इधर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग समझाता हूँ आपको देखिए यहां से हमारे पास क्वेश्चन जो दिया है जीरो से लेके फर्स्ट पाई बाई टू में हमारा फंक्शन कैसा आया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यहां से यहां तक ओके okay? और यहां से लेके यहां तक कैसा फंक्शन आया है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो यदि मैं कंबाइंड इंटरवल ले लूंगा आपके पास में अगर मैं आपके पास में कंबाइंड इंटरवल ले लूंगा यहां से यहाँ तक में तो क्या आप इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूरे में कह सकते हो कि नहीं कह सकते जवाब नहीं है आपका हाँ सर नहीं ना सर आप इसको पूरे में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कह सकते हो क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग केवल यहीं तक है और आप इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी नहीं कह सकते हो क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी आधे में है तो यदि मैं इंटरवल आपको जीरो से पाई दे दूं, तो इसमें ये आधे में इंक्रीजिंग है आधे में डिक्रीजिंग है तो ओवरऑल ये क्या हो गया ये हुआ ना इधर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग समझ में आया कि नहीं आया हाँ तो इस टोटल इंटरवल में ना तो ये इंक्रीज़ करेगा ना ये डिक्रीज़ करेगा ठीक है ना आधा आधा इसका नेचर रहेगा तो तीन पार्ट है इस क्वेश्चन के पहला पार्ट जो है उसमें कॉस एक्स ग्रेटर देन जीरो आ गया है मतलब एफडे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया दूसरे में कॉस एक्स लेस देन जीरो आ गया मतलब फंक्शन की वैल्यू स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गई तीसरे में आधे में इंक्रीजिंग है आधे में डिक्रीजिंग है यहाँ से यहाँ तक तो ये क्या कहलाएगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग बोलो क्लियर की नॉट क्लियर चलिए अब एक चीज यहाँ पे और अपनी तरफ से आपको ऐड करके बताना चाहता हूँ एक चीज उसको ऐड कीजिए क्या है वो ऐड करने लायक चीज देखिए आपके पास जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स हैल टू कितना हो गया बेटा कॉस एक्स अभी तक आपके पास जो इंटरवल था बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ ध्यान से सुना एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाए बाय टू मतलब ना आप जीरो को टच करोगे ना आप पाए बाय टू को टच करोगे ठीक है ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस एक्स की वैल्यू क्या थी पॉजिटिव बट तो इसलिए पूरी वैल्यू पॉजिटिव है क्योंकि आप जीरो को नहीं टच कर रहे थे और पाए बाय टू को नहीं टच कर रहे थे तो आपकी पूरी वैल्यू क्या थी पॉजिटिव थी जीरो से पाए बाय टू के बीच में इसलिए आपने कहा कि एफ डेस एक्स जो है दैट इज ग्रेटर देन जीरो बट अब मैं बहुत पंच की बात कर रहा हूं यदि इस क्वेश्चन में आपको इंटरवल दे दिया होता जीरो टू पाए बाई टू क्लोज दे दिया होते ये न दिया होता तो ये दे दिया होता जीरो क्लोज टू पाए बाय टू क्लोज तो देखिए ध्यान से मतलब आप जीरो को भी ले सकते हो और पाई बाय टू को भी ले सकते हो ऊपर वाले में जीरो को नहीं ले सकते और पाई बाय टू को ले सकते हो हमारा वास्ता पाई बाय टू से है आप ध्यान से देखिए एफ डेस एक्स आपका क्या आया है कॉस एक्स और पाई बाय टू पर कॉस पाई बाय टू यानी कॉस नाइन्टी डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा जीरो कॉस नाइन्टी जीरो हो जाएगा मतलब पाए बाय टू को अगर आप इंक्लूड कर लेते तो बेटा कॉस पाई बाई टू की वैल्यू ज़ीरो हो चुकी है तो अगर आप पाई बाय टू को इंक्लूड कर रहे हैं तो एफ डैस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी और आपको मैंने बताया था कि अगर एफ डैस एक्स ग्रेटर देन के साथ ज़ीरो हो जाता है फिर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बचेगा फिर ये क्या बचेगा ओनली इंक्रीजिंग तो, तो यदि आप पाई बाय टू को क्लोज कर रहे हैं तो आपका यहाँ जो फंक्शन होगा वो क्या होगा बेटा इंक्रीजिंग होगा ठीक है और अगर आप पाई बाय टू को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो फंक्शन आपका क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर आप पाई बाय टू को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं मतलब ओपन इंटरवल है तो इसमें क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो पिछले क्वेश्चन में आपका सब में पाई बायू क्या था ओपन में था तो फंक्शन आपका कैसा होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलो क्लियर हुई बात चलिए अगला क्वेश्चन अब आ चुका है हमारा टाइप टू कैटेगरी टू क्या है तरीका आपको आपको दिया गया है इंटरवल है ना सॉरी नेचर दिया गया है टाइप टू टाइप वन क्या था इंटरवल दे करके नेचर पूछना अभी जो हमने कर दिया इंटरवल आपको दिया रहता था कि इतने में बताओ जैसे अभी अभी क्वेश्चन किया जीरो टू पाई बाई टू में बताओ तो इंटरवल दे करके नेचर पूछा गया आपसे अब दूसरा टाइप है ये टाइप वन हो गया बन गया आपसे अब टाइप टू बता रहा हूं टाइप टू में क्या दिया रहेगा नेचर और क्या पूछा जाएगा आपसे इंटरवल चलिए समझिए इस चीज को आपके पास जैसे ही ये क्वेश्चन दिया गया है अपने पास में फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स फर्स्ट कहाँ तक ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहाँ तक ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है देखिए बेटा तो आपको नेचर दे करके इंटरवल पूछा गया है अब आप एक चीज जान लीजिए बेटा मैथमेटिकल फंक्शन में कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किसके आसपास होता है इन पॉइंट के आसपास ये जो पॉइंट है आपके एक ही ये पॉइंट और एक ही ये पॉइंट ठीक है ना मान लीजिए ये एक जा रहा है तो ये एक ये एक सपोज ये पॉइंट पॉइंट है 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 और एक क्या है? C2 है। तो मैथमेटिक्स में कभी भी कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा तो इन्हीं पॉइंट के अड़ोस पड़ोस में होगा या आजू बाजू में होगा कभी भी अगर आप बढ़ते हो बढ़ते रहते हो तो एक समय ऊंचाई पे पहुंचते हो और कभी भी आप अगर घटते जाते हो तो एक समय आप सबसे नीचे पहुंचोगे। तो अगर सबसे ऊपर पहुंचे हो मतलब बढ़ रहे थे और सबसे नीचे पहुंचे हो मतलब घट रहे थे तो हमको सबसे पहले क्या जरूरी है इन पॉइंट की तलाश करना ये जो पॉइंट है इनकी इन पॉइंट की तलाश करना इसका नाम मैंने दे दिया सी वन और सी टू क्यों तलाश करना क्योंकि आपके बढ़ने और घटने का नेचर इन्हीं पॉइंट के आजू बाजू आपको मिलेगा देखिए जैसे इस पॉइंट के पीछे यहां पर ये फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग है यानी पर ये फंक्शन क्या है इस पॉइंट के राइट साइड में डिक्रीजिंग है यानी एफ एक्स लेस देन जीरो और इसके इस तरफ ये फंक्शन क्या हो रहा है बेटा राइट साइड में फिर से इंक्रीज हो रहा है मतलब एफ डैस एक्स ग्रेटर देन जीरो बोलो बेटा हो रहा है कि नहीं हो रहा तो आपको ये पॉइंट पता होना बहुत जरूरी है ये पॉइंट क्या है ये पॉइंट कहलाते हैं क्रिटिकल पॉइंट जी हां ये पॉइंट कहलाते हैं क्रिटिकल पॉइंट इसलिए मैं इसका नाम क्या दिया मैंने c1 इसका नाम मैंने क्या दे दिया c2 ठीक है ना तो क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन क्या करता है आराम करता है क्योंकि आप अपने ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा ऊंचाई मैथ्स में सौ में से सौ नंबर भी पालोगे और सौ नंबर से सौ नंबर पाने के बाद आप क्या करोगे थोड़ा सा रेस्ट करोगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे आप रेस्ट करोगे तो आपका फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा और कांस्टेंट फंक्शन मतलब इस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन कितना होगा जीरो और इस पॉइंट पे भी डिफरेंशिएशन कितना होगा जीरो तो आप डिफ्रेंशिएशन जीरो पुट करके सबसे पहले ये पॉइंट फाइंड करोगे जैसे इस क्वेश्चन में आपके पास में पॉइंट आपको पता चल गया तो ये देखा आपने कि आपको ये रेस्ट वाले पॉइंट मिल गए अब इन पॉइंट के मिलने के बाद आपके पास क्या क्या इंटरवल बन रहे हैं देखो अगर ये माइनस इनफिनिटी है और ये प्लस इनफिनिटी है ये माइनस इनफिनिटी है और ये प्लस इंफानाइट है तो आपके पास पहला इंटरवल क्या बनेगा बेटा देखिए माइनस इन्फाइट टू सी वन ओपन अगर आप क्लोज ले लेंगे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा तो इस ग्राफ को देख करके यहाँ पे क्या दिख रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दूसरा इंटरवल क्या बनेगा बेटा देखो C1 से लेके C2 बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा और तीसरा इंटरवल क्या बनेगा बेटा C2 टू टू तो तीन इंटरवल बन रहे हैं यहाँ पे अब इन तीन इंटरवल में हमको फंक्शन का नेचर पता करना है तो ग्राफ तो नहीं बना पाएंगे तो फंक्शन का नेचर हमको कौन देगा हमको फंक्शन का नेचर देगा एफ एक्स का चिन्ह यानी कि साइन ठीक ना तो मेनली करना क्या है मेनली हमको एफडेस एक्स को जीरो करके पता करने हैं क्रिटिकल पॉइंट पता करने हैं क्या पता करने हैं बेटा क्रिटिकल पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट के आजू बाजू ही फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है क्रिटिकल पॉइंट के आजू बाजू ही फंक्शन क्या होता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बोलो होता है कि नहीं होता तो हमको पूरी ताकत अपनी किस में लगानी है क्रिटिकल पॉइंट को पता करने में डन बेटा तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उस क्वेश्चन को देखें आप एक क्वेश्चन इन विच एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वाइनस थ्री एक्स अब देखो आपको इसने इसकी डोमेन नहीं बताई है क्यों बताए मैंने बताया था पॉलीनोमियल फंक्शन की डोमेन क्या होती है माइनस इन्फिटी टू प्लस इन्फिनिटी मतलब ये जो फंक्शन होगा अपना ये पॉलिनोमियल है एक्स में क्या है फंक्शन टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स सो हियर वीव गिवन द फंक्शन टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और ये फंक्शन का डोमेन क्या है बेटा फंक्शन का डोमेन है माइनस इनफिनिटी से लेके प्लस इनफिनिटी ये फंक्शन का डोमेन है टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स आपको गिवन है चलिए बहुत बढ़िया तो ये फंक्शन आपके पास दिया गया है टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इसका डोमेन है अब क्या करना है आपको पता लगाना है कि ये कहाँ पे इंक्रीजिंग कहाँ तक ये डिक्रीजिंग है तो मैंने बताया था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की दुकान कहाँ पर लगती है क्रिटिकल पॉइंट के आजू बाजू है ना तो हम इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इसका एफ एक्स निकालेंगे एफ डेस एक्स का मतलब डी dx डी एक्स ऑफ टू एक्स माइनस थ्री एक्स तो ये बन जाएगा मेरे पास फोर एक्स माइनस थ्री ये मेरे पास बन गया क्या एफ डेस एक्स क्लियर अब अब आपके पास में फॉर क्रिटिकल पॉइंट यू नो

मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इनफिनिटी के बीच में आपको एक पॉइंट मिल चुका है थ्री बाई फोर अब उस पर क्या हो रहा है? उस पर 0 है मतलब उस पर आराम हो रहा है तो बेटा दो चीज एक्चुअली दो सीन बन सकते हैं मैं दोनों सीन आपके सामने बना के दिखा देता हूँ अभी नहीं तय कर सकते हो कि कौन सा सीन बनेगा बट दो बनेंगे हो सकता है बेटा कि फंक्शन उस पर आराम किया हो इस तरीके से और क्यों आराम किया हो क्योंकि वो अपने लोवेस्ट पॉइंट पे हो तो ये देखिए और हो सकता है बेटा कि फंक्शन उस पर आराम किया हो मगर ये वाला आराम एक हार का आराम है युद्ध हारने के बाद और एक है युद्ध जीतने के बाद का आराम ठीक है ना तो अब हमको पता करना है कि सही कौन सा है क्योंकि एबडेस एक्स तो हमको जीरो पता चल गया थ्री बाई फोर पे है अब हम पता करते हैं कि ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है मैंने आपको दोनों कंडीशन बता दी है ठीक है बेटा हम्म तो हमारे पास थ्री बाई फोर आ चुका है जो हमारे पास गिवन इंटरवल है वो क्या है बेटा माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी ब्रेकिंग पॉइंट क्या है मेरे पास में थ्री बाई फोर तो मेरे पास दो इंटरवल बन चुके हैं बेटा namely, सो वी हैव सो वी हैव टू disjoint, डिसज्वाइंट इंटरवल कौन कौन सा माइनस इंफिनिटी टू थ्री बाई फोर एंड थ्री बाई फोर टू इंफिनिटी डिसज्वाइंट क्यों क्योंकि देखिए मैंने थ्री बाई फोर को दोनों में शामिल नहीं किया इसको भी थ्री बाई फोर में नहीं लिया इसको भी नहीं लिया ये ओपन है तो दो इंटरवल मेरे पास बन चुके हैं अब चलिए मैं नेचर चेक करता हूँ तो क्या बनती है आपके कॉपी में टेबल बनेगी इंटरवल यहाँ पे आएगा साइन ऑफ एफ डेस एक्स क्यों सर क्यों लगा रहे उसका साइन क्योंकि बेटा आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होने की जानकारी केवल हमको किससे मिलती है एफ एक्स से अगर एफ एक्स पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और एफ एक्स अगर नेगेटिव है तो फंक्शन क्या होगा डिक्रीजिंग होगा बोलो ये बात पता है आपको तो चलिए एक इंटरवल है माइनस इन्फिनी टू थ्री बाई फोर और दूसरा इंटरवल है बेटा अब बेटा मुझे ये बताओ माइनस मतलब इन्फिनिटी yes हाँ. हाँ, से थ्री बाई फोर के बीच का कोई पॉइंट ले लो बेटा माइनस इन्फिनिटी से थ्री बाई फोर के बीच का कोई भी पॉइंट ले लो जो तुम्हारा मन करे जीरो ले लो जीरो यही होगा ना इसी तरफ तो होगा ना कि नहीं होगा इसी तरफ होगा लेफ्ट में होगा तो इनके बीच का कोई भी पॉइंट लेकर के मैं एफडेस एक्स चेक करता हूं एफडेस एक्स ये है मेरे पास इसको नंबर वन दे देना तो जीरो पे चेक कर रहा हूं तो फोर इंटू जीरो और जीरो माइनस थ्री बोलो माइनस थ्री आया कि नहीं आया तो माइनस थ्री फोर इंटू जीरो जीरो और जीरो माइनस थ्री मतलब माइनस थ्री मतलब इसमें एफ डेस एक्स का साइन क्या रहा आ रहा है निगेटिव आ रहा है लेस देन जीरो है ना तो पहले वाले केस में एफ डेस एक्स क्या आ रहा है लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव प्रोड्यूस कर रहा है और अगर एफ डेस एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होगी तो बोलो नेचर कैसा होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्लियर कि नॉट क्लियर मतलब कौन सा डायग्राम अपन को बनता दिख रहा है ऊपर वाला थ्री बाई फोर के लेफ्ट में एफ डेस एक्स क्या आ रहा है जो स्लोप है फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो निगेटिव है या लेस देन जीरो है अब देखते हैं थ्री बाई फोर के आगे बेटा संचारी थ्री बाई फोर होता है जीरो पॉइंट सेवन फाइव अब जीरो पॉइंट सेवन फाइव से कोई बड़ी वैल्यू ले लेता हूँ मैं सपोज वन वन चलेगी कि नहीं चलेगी बोलो अब मैं वन पर फंक्शन की वैल्यू निकालता हूँ पुट कर दो बेटा फोर वन या फोर फोर माइनस थ्री कितना होगा वन वन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है पॉजिटिव है मतलब इसके राइट right साइड में थ्री बाई फोर के मैंने कोई भी वैल्यू रख करके देखी तो इसमें एफ डेस एक्स क्या आ गया ग्रेटर देन जीरो अर्थात पॉजिटिव आ गया और जब भी एफ डेस एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो फंक्शन क्या होगा बोलो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्लियर की नॉट क्लियर हम्म तो ये हो गया हमारे बेटा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बट इन केस बेटा अगर आपको क्वेश्चन ने यहाँ पे कह दिया कि आप हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताओ स्ट्रिक्टली वर्ड का इस्तेमाल ना करें तो फिर आपको एक थोड़ी सी चालाकी करनी पड़ेगी क्या चालाकी करनी पड़ेगी बेटा आराम को साथ में ले लेना मतलब 3/4 को क्लोज कर देना तो यदि आप माइनस इनफिनिटी से थ्री बाई फोर को यदि आपने क्लोज कर दिया बोलो यस yes की नो तो एबडेस एक्स पहले निगेटिव तो हो ही रहा था ये देख लो निगेटिव था कि नहीं था अब साथ में थ्री बाई फोर कौन सा पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट है मतलब उसमें रेस्ट मारेगा फंक्शन मतलब थ्री बाई फोर पर क्या हो जाएगा इक्वल टू जीरो भी हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं होगा तो अब ये स्ट्रिक्टली वर्ड हट जाएगा अब यहाँ पे क्या रहेगा ये प्लेन डिक्रीजिंग समझ में आया कि नहीं आया और अगर थ्री बाई फोर क्लोज के साथ आपने इंफानाइट ओपन कर दिया तो एफ डेस एक्स का मान जो पहले केवल ग्रेटर आ रहा था अब ग्रेटर और इक्वल हो जाएगा तो वो हो जाएगा इनक्रीजिंग क्लियर की नॉट क्लियर हाँ तो इस तरीके से आप समझ लीजिएगा एक में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो अभी फिलहाल इन लोगों ने क्या पूछा है स्ट्रिक्टली पूछा है मतलब हमको ये पॉइंट शामिल नहीं करना पड़ेगा तो देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पे निकला हमारा थ्री बाई फोर टू इंफिनिटी बिल्कुल सही निकला है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां पे निकला है माइनस इंफिनिटी टू थ्री बाई फोर बोलो क्लियर है एकदम बेटा अच्छे से और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आता है सो दिस इज वी आई एम पी डन बेटा चलिए तो अब बेटा मैंने आपको जो पी भेजी है इसको एक बार शुरू से लगाइए फिर उसके बाद करते हैं एन क्वेश्चन देखिए संचारी जो साइन एक्स का आपने क्वेश्चन पूछा भी और अभी हम लोगों ने साइन एक्स का क्वेश्चन किया भी है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए तो साइन एक्स की डोमेन इनपुट कहाँ से कहाँ तक ले पाता है बेटा माइनस इन्फिटी से लेके प्लस इन्फिटी अब इसका ग्राफ देखिए कैसा जाता है साइनेक्स का ग्राफ तो साइनक्स का साइन जीरो की वैल्यू ज़ीरो साइन नाइनटी की वैल्यू वन मैक्सिमम वैल्यू इसकी वन हो जाती है फिर इसके बाद बेटा कम होती है ये हो गई और इधर फिर इस तरीके से ये ग्राफ चलता जाता है आप देखिए जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था ये इस तरीके से था अब ग्राफिकली आप देखेंगे बेटा तो जीरो से लेके पाई बाई टू तक साइन की वैल्यू वाई की वैल्यू एक्स के साथ बढ़ रही है मतलब एंगल बढ़ेगा एक्स तो वाई की वैल्यू भी बढ़ेगी बोलो यसकीन बेटा तो अगर मैं बोलूंगा जीरो से लेके पाई बाय टू तक तो हमारा ये फंक्शन कैसा होगा बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्लियर की नॉट क्लियर पाई बाई टू पर रेस्ट कर रहा है पाई बाई टू पर रेस्ट कर रहा है मतलब कि एफ डैश एक्स इस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स पॉइंट पे जीरो दिस इज क्रिटिकल पॉइंट दिस इज क्रिटिकल बट यदि मैं आपसे बोलूं पाई बाय टू से लेके पाई तो आप देखिए यहां पर ये फंक्शन जो है डिक्रीज़ कर रहा है देखो नीचे आ रहा है एक्स की वैल्यू तो बड़ी हो रही है बट वाई की वैल्यू कम हो रही है हो रही की नहीं हो रही है हाँ मतलब यहां पर यह फंक्शन क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्लियर ओवरऑल इंटरवल जीरो से लेके पाई बाय टू में ये आधा इंक्रीजिंग है आधा डिक्रीजिंग है तो जीरो से लेके पाए बाय टू में आप इसे क्या कहोगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग बोलिए सही बात है कि नहीं है ओहो हो हो स्प्रिंट हो गई सॉरी बेटा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जीरो से पाई लिखना चाहिए मुझे जीरो से पाई यानी कि यहाँ पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ठीक है बेटा इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग क्लियर है बेटा तो ग्राफिकल वे में तो बहुत सरल होता है बट बेटा ग्राफ पूरे आते किसको को हैं और ग्राफिकल मेथड नहीं है कोई वो तो चांस की बात है कोई ग्राफ बन गया कोई नहीं बन पाया है ना सबके ग्राफ थोड़ा ना बना सकते हैं तो हम किस मेथड से करेंगे इसको एनालिटिकली मेथड कैलकुलस मेथड से करेंगे डी बाई डी एक्स का साइन पता करेंगे ठीक है ना ऑलवेज याद रखिएगा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए केवल आपको जो बताने वाला है वो है डी वा बाई डी एक्स या एफ डैस एक्स का चिन्ह यही बताएगा कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है आपको हर बार यही चेक करना पड़ेगा कि डी वा बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो इसी से पता चलेगा बोलो क्लियर बात चलिए अब आप इसको आगे बढ़ाइए करिए चलिए अगला क्वेश्चन आपने पूछा है कि सर साइन एक्स की रेंज बना बता दीजिए तो साइन एक्स की रेंज देख लीजिए क्या होगी साइन एक्स का ग्राफ अभी आपने देख लिया है रेंज मतलब वाई की वैल्यू तो वाई की मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन है और वाई की मिनिमम वैल्यू कितनी है माइनस वन है फंक्शन क्या है वाई इक्वल टू साइन एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन है और मिनिमम वैल्यू माइनस वन है मतलब ये फंक्शन माइनस वन से लेके प्लस वन के बीच में आउटपुट देगा तो ये कहलाती है इसकी रेंज सो व्हाट इज रेंज ऑफ साइन एक्स फंक्शन y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस वन टू प्लस वन बोलिए क्लियर है डोमेन मतलब क्या इनपुट ले सकता है रेंज मतलब क्या आउटपुट दे सकता है सो रेंज इज इन टू प्लस वन चीज और याद रखिए कि जो इन्फानाइट है बेटा वो एक कंसेप्ट है वो कोई नंबर नहीं है जिसको आप प्राप्त कर सको समझ गए तो इन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक मान्यता है एक अवधारणा है एक कंसेप्ट बना लिया आपने वो कोई नंबर नहीं कि उसके ऊपर आप हाथ रख दो इसलिए दैट्स वाई आर इक्वल्स टू जो होता है दैट इज माइनस इन्फिनिटी ओपन और प्लस इन्फिनिटी ओपन मतलब आप इनको प्राप्त नहीं कर सकते हो समझ गए ये नंबर बहुत बड़े हैं बट अचीवेबल नहीं कह सकते हो कि कोई नंबर है जिसके ऊपर हमने अंगूठा दबा दिया वो माइनस इन्फिनिटी है एरो लगा है मतलब आप जितना सोचोगे आपकी उस सोच से भी बड़े नंबर और इधर की तरफ छोटे नंबर लेफ्ट में क्लियर हुआ भाई वन और टू को आप अचीव कर सकते हो इन्फिनिटी कहाँ तक अचीव करोगे सो अचीवेबल है ही नहीं है इसलिए कभी भी इनमें क्लोज इंटरवल नहीं लग सकता ठीक है ना क्लोज इंटरवल लग गया मतलब आपने दुनिया का सबसे बड़ा नंबर या दुनिया का सबसे छोटा नंबर प्राप्त कर लिया क्या बताओ कभी प्राप्त कर सकते हो नो नेवर सो इसलिए कभी इनमें क्लोज नहीं लगता हमेशा ओपन लगता है डन ओके okay.